भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से ना किया। ऐसे आदमी को टिकट मिलना चाहिए। जो जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसका अपडेट करते हैं। जनता ये चाहती है कि अंडरपास बनना चाहिए। आज रामनगर रोड स्थित विधायक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा काशीपुर विकास महाराणा प्रताप रोड स्थित आरओबी अंडरपास स्टेडियम के निकट निर्माणाधीन आरओबी जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी से नगर निकाय चुनाव में किस प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई। तो आइए जानते हैं क्या विशेष मुद्दे रहे, क्या विशेष चर्चा रही। तो आपको लेकर चलते और दिखाते हैं कि क्या कहा काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने। टाइम से कोई प्रेस मीटिंग नहीं हुई थी, तो आज हम लोगों ने सोचा कि जनता को जो जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसका अपडेट कर दें कि हमारा बागपुर रोड के ऊपर अंडरपास वाला मुद्दा था, उसमें कुछ लोगों में कंफ्यूजन थी, कुछ चाहते थे बने, कुछ चाहते ना बने। तो हम लोगों ने उसमें जनरल पब्लिक का ओपिनियन लिया था, ज्यादा जनता ये चाहती है कि अंडरपास बनना चाहिए, तो उसी हिसाब से बरसात के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। उसका फंड रिलीज हो चुका। स्ट्रीट लाइटिंग की प्रॉब्लम लोगों ने बताई है, उसको मैं फॉलो करूंगा। जैसे ही फंड रिलीज होता है उसका भी काम शुरू होगा। टू लेन बाईपास का काम और लक्ष्मीपुर माइनर, इसमें प्रोग्रेस ठीक है, बरसात की वजह से कुछ रुकी हुई है और जैसे ही बरसात खत्म होती है इसमें प्रोग्रेस ठीक चल रही है और आगे भी ठीक चलेगी। और जो डेट ऑफ कंप्लीशन है, मुझे उम्मीद है उस डेट ऑफ कंप्लीशन में वो काम खत्म। पार्किंग की प्रॉब्लम है, उसमें कुछ उद्घाटन हो चुका है लेकिन उसके पीछे जो बिल्डिंग है जो वो डिमोलिश होनी है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसका जैसे ही वो बिल्डिंग डिमोलिश होती है उसका भी काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और बाकी छोटी मोटी सड़कें टाइम टू टाइम, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं, फंड इतना अवेलेबल नहीं होता, एंड जो फंड मिलता है उसका बेस्ट यूटिलाइज करके जो बेस्ट उसमें इसमें बेस्ट जो ज्यादा से ज्यादा जनता को सुविधा मिल सके, उस तरह से जो प्रोग्रेस का काम जो है धीरे धीरे सारे प्रोग्रेस में है। एक्चुअली उसमें जो है ना बैरियर का काम शुरू हो गया है और जल्दी ही जो है वो बैरियर लग रहे हैं। उसमें अमेरिका थोड़े दिनों में जो है जो हैवी व्हीकल्स हैं वो और जो हाइट वाले व्हीकल्स हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। हमने अपने जितने भी ब्रिजेस हैं, अपने जितनी भी हमारे शहर की प्रॉपर्टीज है उनको सेफ रखना है, इसीलिए उसके लिए जो भी करना पड़ेगा। देखिए टिकट सरकार ने लेना है, इसमें मुख्य रोल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रहता है, इसलिए जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार मतलब ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग कार्यकर्ता, ये सारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का ये चाहता है कि काशीपुर की टिकट ऐसे आदमी को दी जाए जो जिस आदमी ने कभी भी बीजेपी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से ना किया, ऐसे आदमी को टिकट मिलना चाहिए। लोग ये आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसके ऊपर इसकी जानकारी सबको है, इस चीज का संज्ञान हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन के लोग इस बात का संज्ञान जरूर लेंगे और टिकट एक ऐसे आदमी को देंगे जो जिसका विरोध ना हो, जो सबको पसंद हो और जिसके लिए सब लोग चाहते हैं, ऐसे आदमी को टिकट देंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है।